और क्या रेट रहती है उसकी? 140 के तीन पीस हैं। देख सकते हो गाइस एकदम फ्रेश आपके सामने बनाया हाथ से, अपने हाथ से गरम गरम चिकन फ्राई निकाल देते हैं। देख सकते हो गाइस एक बार और निकालते हैं। ये देख सकते हो कितना ऑयल कितना तेज खोल रहा है गाइस। एक एक क्वार्टर है, एकदम रेडी हो चुका है आपका चिकन चंगेजी। ट्राई कर लेते हैं इनका चिकन चंगेजी और बहुत ही डिलीशियस लग रहा है भाई। साइज ब्रेस्ट का पीस है ये, विंग्स बहुत ही ज्यादा टेम्पटिंग लग रहा है। मतलब जो जयपुर का 20 किलोमीटर का एरिया का दायरा है वहाँ से इनका फ्राई चंगेजी और रोस्टेड खाने के लिए आता है। दोस्तों आज हम आए हैं अली चिकन सेंटर जो कि रामगंज रोड पर है और गाइस ये बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है चिकन के लिए। यहाँ पे बहुत अच्छा चिकन चंगेजी मिलता है, लिटरली कई जगह आपने ट्राई किया होगा चिकन चंगेजी बट यहाँ का चिकन चंगेजी सच में शानदार बनता है। लाइक ये लोग तवे पे बनाते हैं, तवे पे कंटिन्यू बनाते रहते हैं लोग, इस तरह से आपका तवे पे कंटिन्यू बनता रहता है। और मैं आपको आज इसकी पूरी मेकिंग दिखाता हूँ किस तरह से बनाते हैं और फिर टेस्ट करके बताएंगे आपको कैसा लगेगा इसका टेस्ट। ये भैया क्या डाल दिया सबसे पहले? ये भाई ये जो प्याज है जो सबसे पहले बॉईल होती है। अच्छा, उसके बाद मशीन में पीसी जाती है, पीसने के बाद ये फिर तवे पे रखती है। चलो ये प्याज है, ये ग्रेवी का सबसे पहला बेस है आपका। पहला बेस। तो भैया जी कितने टाइम से बना रहे हो आप? कितने टाइम से 20 साल हो गए। अरे वाह। और ये क्या डाल दिया? ये भाई दही है जिसमें हमारे मेन मसाले जो हमारे खुद के बनाए हुए मसाले होते हैं जो हम घर में खुद प्रिपेयर करते हैं वो मसाले हैं इसमें डाले हुए दही है। अच्छा, ये भाई टमाटर, टमाटर की ग्रेवी, बॉइल टमाटर, बॉइल टमाटर उसमें पिस्ता है। ये भैया ऑयल डाला है या फिर क्या? ये भाई घी डाला है नेचर फ्रेश। ये पीस के हाफ रोस्टेड है? हाँ ये हाफ रोस्टेड है तो फुल हो जाएगा। अच्छा, तो भैया अभी कितना चिकन डाल रहे हो? 3 किलो 4 किलो? 5 किलो चिकन। तो गैस इन्होंने अब 5 किलो के अराउंड चिकन डाल दिया है, अब इसको तवे पे धीरे धीरे सेकेंगे और ग्रेवी एकदम थिक हो जाएगी। तो गैस आप देख सकते हो ग्रेवी थोड़ी थोड़ी सी थिक होना स्टार्ट हो गई है और अब ये ऊपर से इसमें वनस्पति घी डालते हैं इनका। तो गैस देख सकते हो ग्रेवी कितनी थिक हो चुकी है और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा इसको थिक होने में, अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट भी नहीं हुए। भैया ये कितनी देर में रेडी हो जाएगा? 5 मिनट में रेडी हो जाएगा। तो गाइस एकदम रेडी हो चुका है आपका चिकन चंगेजी और देख सकते हो कितना टेम्पटिंग लग रहा है गाइस, ये हद से ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है। और ये क्वार्टरली चिकन पैक कर रहे हैं, प्लेटिंग कर रहे हैं। एक एक क्वार्टर है, ये क्वार्टर की क्वांटिटी है गाइस। एक क्वार्टर में कितने पीस आते हैं भैया? 3 पीस। और क्या रेट रहती है उसकी? 140 के 3 पीस हैं। देख सकते हो गाइस एकदम फ्रेश आपके सामने बनाए और बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है गाइस, बहुत ही टेम्पटिंग। गाइस आप जानते होंगे अली चिकन सेंटर के बारे में और आप जानते होंगे इन अंकल जी को जो कि अपने हाथ से गरम तेल में चिकन फ्राई निकाल देते हैं। गाइस आज हम आए हैं अली चिकन सेंटर जो कि रामगंज रोड पर है एक शॉप, और आप देख सकते हो ये जो शख्स हैं इनका नाम है रहमत जी हैं,
रहमत जी हैं इनका नाम, और ये अपने हाथ से गरम गरम चिकन फ्राई निकाल देते हैं, देख सकते हो गाइस। एक बार और निकाल दे पीछे से, थोड़ा सा ये देख सकते हो कितना ऑयल कितना तेज खोल रहा है गाइस। और निकाल भाई, निकाल निकाल, ये देख सकते हो फ्राइड चिकन निकाल। तो गाइस रहमत जी से आज हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ये कहाँ से मतलब इस टाइप की चीज़ बनाना सीखे, और ये अपना हाथ डालते हैं, इनको क्या महसूस होता है कुछ समझ नहीं आ रहा, तो चलिए इनसे इनसे खुद से पूछते हैं। कितने टाइम से कर रहे हैं ये? बचपना हो गया जी, यहाँ तो 23 साल से कर रहा हूँ, बाकी दिल्ली में थे वो काम ही हमारा है। 23 साल से आप इस तरह से निकाल? हाँ 23 साल से, इनको 23 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, और कहीं से नहीं देख सकते हो आप किस तरह से फ्राइड चिकन बनाते रहते हैं, हाथ से निकालते रहते हैं। यहाँ पे बहुत वैरायटी मिल जाएंगी आपको चिकन की, चिकन टिक्का, चिकन तंदूरी, चिकन चंगेजी, फ्राइड चिकन, ये पकड़ा वाला। ये क्रीम और दही है, सर ये है कुरेशी जी, और चलिए इनसे पूछते हैं इनके रेस्टोरेंट के बारे में। ये अली चिकन सेंटर 191 से स्टार्ट है, ये अपने ये अपना चिकन चंगेजी फेमस है, चिकन फ्राई है। लोकेशन ये है बड़ी चौपड़ के पास में, रामगंज बाजार हवा महल। चिकन चंगेजी जयपुर शहर में हमारे शॉप से ही स्टार्ट हुआ था, जो आज बहुत हाई लेवल पर है, जो हमारा चंगेजी बहुत ही ज़्यादा स्टॉक में बनता है और जयपुर से हर कस्टमर आता है। जिनके नाम से ये रेस्टोरेंट डाला गया है, अली जी कैसा लगता है आपको ये आपके नाम से इतना बड़ा आज एम्पायर खड़ा हो चुका है? सर सब अल्लाह का शुक्र है, बाकी इनकी देन है हमारे बड़े पापा की, और हमारे पापा की सब इन्हीं का करा धरा, हमें तो विरासत में मिल गया सब कुछ। जो रेगुलर कस्टमर्स हैं वो भी बैठे हुए हैं, और इनसे भी थोड़ा सा अपन रिव्यू लेते हैं। जो फ्राई है इनका फर्स्ट, बहुत फेमस है ये, आज यहाँ पे 25 साल से सर्विस प्रोवाइड करा रहा है। दूर दूर से लोग इनसे मतलब जो जयपुर का 20 किलोमीटर का एरिया का दायरा है, वहाँ से इनका फ्राई चंगेजी और रोस्टेड खाने के लिए आते हैं, और बहुत शानदार टेस्ट है, फ्राई बहुत क्रंची है, रेट बहुत रीजनेबल है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है आराम से इजीली। ये तकरीबन हो गए होंगे 10 साल करीब। हाँ रेगुलर। क्वालिटी में कोई चेंज नहीं है, जो बेस्ट क्वालिटी है ना वो इन्हीं की है। और आप मोस्टली क्या खाते हैं यहाँ पे? यहाँ पे फ्राई चंगेजी। तो गाइस खाना लग चुका है, और आप देख सकते हो कितना टेम्पटिंग लग रहा है खाना। देखिए ये है चिकन चंगेजी, जो कि यहाँ का फेमस है, और एज यू कैन सी इट लुक्स वेरी यमी। एंड ये है मलाई टिक्का, और ये फ्राइड चिकन, जो कि वो उन सर ने दिखाया था ना हाथ से निकाल के, वही। ये थोड़े से प्याज के लच्छे हैं और तंदूरी रोटी। चलिए तो गाइस अब अपन ट्राई कर लेते हैं इनका चिकन चंगेजी, और बहुत ही डिलीशियस लग रहा है भाई, देख सकते हो आप ग्रेवी इसकी, तवे पे सिकने के बाद ये ग्रेवी ढंग से एकदम थिक हो चुकी है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। और चलिए गाइस थोड़ा सा टाइम ही है, और जैसे कि आपको पता है तवे पे सिका है, फ्रेशनेस नज़र आ रही है इसमें, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डाले हुए, लिमिटेड मसाले डाले हुए हैं, और जो मसाले डाले हुए हैं उनका अच्छा फ्लेवर आ रहा है, और बहुत अच्छा मसालेदार है, चिकन बहुत टेंडर है, देख सकते हो आप चिकन बहुत टेंडर है। Yeah.
जैसे जैसे आप एक एक बाइट लोगे वैसे वैसे कंटिन्यू आपका ऑल खाने का मन करेगा। गाइस टेस्ट सच में बहुत बेहतरीन है और बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, बट जो भी स्पाइस डाले हुए हैं खड़े मसाले बहुत अच्छे हैं। थोड़ा सा टैंगी है जो कि आपको टैंगीनेस अच्छी लगेगी। ऑनियन का टेस्ट मतलब ऐसा मीठा टेस्ट नहीं आ रहा है, ऑनियन का यूजुअली मीठा टेस्ट आता है वो टेस्ट नहीं आ रहा है। 100% रिकमेंडेड गाइस चिकन अली चिकन सेंटर का चिकन चंगेजी। तो गाइस ये है मलाई टिक्का वाला जो कि आप देख सकते हो कितना डिलीशियस लग रहा है, और इसमें सारा बटर है, ये देख सकते हो ये अमूल बटर और अमूल की क्रीम। गाइस देखो पीस कितनी आराम से टूट गया, लुक एट दिस। ये मलाई को जो अमूल की मलाई है उसको तंदूर पे रख के इसको लाइक थिक नहीं करते हैं, डायरेक्ट मलाई डालते हैं, उसमें रोस्टेड चिकन डाल के बटर डाल के सर्व कर देते हैं। इनकी रेसिपी अलग है, अपन ने दूसरी जगह खाया वो रेसिपी अलग है, ये भी आपको 100% अच्छा लगेगा। चलिए अब इनका जो फ्राइड चिकन है वो ट्राई कर लेते हैं। देख सकते हो आप ये साइज ब्रेस्ट का पीस है, ये विंग्स, तो चलिए इसको ट्राई करते हैं। ये देखिए फ्राइड अच्छे से हुआ है ये 100% आई एम श्योर, और थोड़ा सा ऑयली तो है ही क्योंकि फ्राई हुआ है। इनकी जो चटनी है बहुत ही ज़्यादा थिन है एज यू कैन सी। गाइस फ्राइड चिकन बहुत अच्छा है, मसाले बहुत अच्छे लगे उसके मेरे को, और जिस तरह से ये सेका है लाइक आप देख सकते हो कितनी आराम से टूट रहा है, जो कि ब्रेस्ट का पीस है और ब्रेस्ट का पीस आराम से नहीं टूटता है, बहुत अच्छा है। आई एम 100% रिकमेंडेड यू कि आप यहाँ पे आके तीनों डिशेस ट्राई करें, और मेरे को मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ इनकी डिशेस से, तीनों डिशेस, और मेरे से वेट नहीं हो पा रहा। अब मैं इसको ट्राई कर लेता हूँ और आप यहाँ पे आने का प्लान बनाइए, और सारी जो प्राइसिंग डिटेल्स वगैरह है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच गाइस।